अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फ्रेश फ्रेश मंडे, सैटरडे संडे खूब इंजॉय किया आप लोगों ने। और मुझे समझ नहीं आ रही, कराची का मौसम है और बहुत धीमी धीमी बारिश हो रही है, और कभी बिल्कुल मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा, ऑफकोर्स सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा निकल आता है, उसके बाद फिर बारिश होती है। और रोज़ाना जो मैंने देखा है अर्ली इन द मॉर्निंग रिम जिम स्टार्ट हो जाती है, और लोग समझते हैं आज अल्लाह करे छुट्टी हो जाए। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत खुश होते हैं कि अच्छा यार, खाम खाई का क्या ज़रूरत है जाने की, छुट्टी हो जाए। लेकिन जिन लोगों को पता है उनका कारोबार है, काम है, उनका पर्सनल कारोबार है, तो कहते हैं नहीं यार ये ज़रा रुक जाए, हमारा काम ख़राब हो रहा है, फिर स्कूल के फिर पेपर्स हैं, बहुत कुछ ऐसा काम है। तो हम लोग असल में यूज़ टू नहीं है कराची वाले, लेकिन एज़ कम्पेयर टू केपी के आप वहाँ चले जाएँ, वो उनकी नज़र में कोई बारिश हो या बर्फ़बारी हो डजेंट मैटर, क्योंकि वो यूज़ टू हैं, वो लोग रेगुलर उनके साथ होता है। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है इस पर ज़्यादा पड़ता है, और बच्चों पर ख़ास तौर पर। बच्चे जो हैं ऑफकोर्स ये जो अभी जैसे ये सावन का मौसम कहते हैं जब आता है, तो ऑफकोर्स फलों के ऊपर मक्खियाँ और कचरे पे, ये ज़्यादा मक्खियों की तादाद बढ़ जाती है, जिससे फूड पॉइजन हो सकता है। आप लोग कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि जो बना रहा है हमें नहीं मालूम वो ठेले पे क्या बना रहा है, या बच्चे कुल्फियाँ खा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम। वो गंदी मंदी दूध में मक्खियाँ बैठ रही हैं, वैसे ही कुल्फियाँ बना रहे हैं बड़े मज़े से। मैं भी खाती हूँ वो टन टन वाली कुल्फियाँ, बड़ी अच्छी लगती हैं। फिर वो एक और आता है वो चिड़िया चुड़िया बनाता है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हमें नहीं मालूम कि वो कितने प्रोसीजर से गुजरी है, गंदी है, पता नहीं कैसी ख़राब चीज़ डाल दी, उससे क्या होता है कि हमारे बच्चे बहुत जल्द पेट की बीमारियों में मुबतला होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ें खाने से प्रोसीजर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आज हम बात करेंगे स्पेशली, ये मैसेज भी है कि बहुत एहतियात करें, बाहर की चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें, बच्चों पर ख़ास नज़र रखें, नज़ला ज़ुकाम खांसी। मैंने बारिशों में बच्चे जो है ना वो ज़रा सा पानी कहीं जमा होता है वो नहाना शुरू करते हैं, उनको पता ही नहीं इससे वृक्ष का पानी है, मासूम है ना, नहीं मालूम उनको, वो तो इन्जॉय करें, बारिश हो रही है। हमें एहतियात करनी है, बच्चों पे नज़र रखनी है कि कहीं वो गटर के पानी से तो नहीं नहा रहे, ये पानी ख़राब तो नहीं है। तो स्किन का प्रॉब्लम भी हो सकता है बच्चों को, पेट की बीमारियां भी, डायरिया भी हो सकता है, फूड पॉइजन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होंगी, और हमारे यहाँ पर मौजूद हैं ऑफकोर्स, आज हम लोग होम रेमेडी भी आपको प्रेजेंट करेंगे। लेट्स सी, हम लोग पहले चलते हैं, सबसे पहले हमारी गेस्ट हैं हर्बल दुनिया की रानी, मुख्तसर सा अल्फाज काफी है, और वो है रानी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैसेज सुन लिया आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है, और आपने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया कि सावन यानी बरसात में जहाँ हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद बात होती है कि बारिश की ज़रूरत तो मुल्क को रहती ही है, हर वक्त हमारे लिए पानी की बहुत अहमियत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने बच्चों का ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और एक बात जो आपने प्रोग्राम के शुरू में कही वो बहुत ही काबिल ज़िक्र है कि कुव्वत मुदाफियत यानी बच्चों का, अगर बच्चों या बड़ों का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, यानी कुव्वत मुदाफियत अगर स्ट्रांग होगी, तो मौसम की जबूहाली उन पर कोई असर नहीं कर सकती। ओके, और इससे ये होता है कि जब हमारे अंदर से स्ट्रांग सिस्टम तो फेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लेट्स सी, मैं ये कहूँगी कि आज हम लोगों ने डायरेक्टली जो है ना हमने होम रेमेडी प्रेजेंट करनी है, और आप बिल्कुल रेडी है। मैं नाज़िन उन, मैं चाहूँगी कि मैं जब तक आप मूव करती है मैं आपसे बात कर लूँ, और वो ये कि जो वालदा जो भी मतलब मदर्स हैं माएँ हैं वो एक्टिव हो जाएं, अगर आपकी बच्ची में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, भूख नहीं लग रही है, या बार बार उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो मुझे फौरन हमें कॉल करें, आप मौजूद हैं, वो आपको बताएंगी होम रेमेडी किस तरीके से आप अपने बच्चों को टेक केयर कर सकते हैं, या बच्चियों को टेक केयर कर सकते हैं। और उन पेरेंट्स को भी मैं कहूँगी कि जिनके बच्चों में कुछ मेरे हाइट प्रॉब्लम भी बहुत होता है, अभी भी रिसेंटली कुछ बच्चियों की उम्र अगर 19-18 साल है तो उनकी माएँ परेशान हो जाती हैं कि यार कैसे हम लोग टेक केयर करें। और मैं ये कहूँगी कि आपा से हमें ना सिर्फ, क्योंकि बहुत जैसे हम लोग कहते हैं ना दादी के टोटके, नानी के टोटके, माओ की कुछ ख़ास प्रोटेक्शन, कभी कुछ होता है तो बेटा शहद चाट लो, काली मिर्ची के साथ शहद चाट लो, या कुछ भी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे लिए और जो छोटे बच्चों के लिए या घर वालों के लिए जो बड़ी सूटेबल होती हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबकी माओ को, दादियों को, दादा को सलामत रखे, क्योंकि वो एक वैसे तो घर का शेल्टर होते ही हैं लेकिन सेहत का भी एक शेल्टर होते हैं। तो हम चलते हैं आपा की तरफ, आपा बिल्कुल रेडी, आपा
अच्छा जी, किस तरह की होम रेमेडी जरा बताइएगा मुझे। जी हाँ, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बच्चों की और बड़ों की कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी बीमारी का, किसी भी मौसम का बहुत ही आसानी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। और इम्यून सिस्टम एक दिन में स्ट्रांग नहीं हो जाता, इसको स्ट्रांग करने का बचपन ही से ज़रूरत होती है स्ट्रांग करने के लिए। और इसमें माओं का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है कि वो इसमें अहम किरदार अदा करें। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत बहुत शानदार होगी। और इसके लिए एक मैं बहुत ही आसान रेमेडी बताने जा रही हूँ और ये एक बहुत इलाज भी है। अगर घर की माएँ अपने बच्चों से तो इब्तिदा होती है कि छोटे से बच्चों को आपकी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो मैं एक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करने का एक इलाज बता रही हूँ, ये बहुत आसान है, बहुत सादा है और इससे ना सिर्फ आपके बच्चे बल्कि अगर बड़े भी इसको इस्तेमाल करते रहें तो आप ये देखिए अल्लाह का करम कि हर बीमारी उनके पास से चुटकियों में गुजर जाएगी, उनको एहसास भी नहीं होगा कि कैसे मौसम बदला और कैसे रुत बदल गई, लेकिन वो हमेशा की तरह तंदुरुस्त और तवाना रहे। इसके लिए आपको बहुत ही आसान है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि थोड़ी सी आपको मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत होगी। उसके लिए करना ही होगा कि ये है सबसे पहले ये हमारे बच्चों ये कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करने के लिए इम्यून सिस्टम को। जी हाँ, वो इम्यून सिस्टम जो बच्चों को ही हम क्यों मजबूत करें, हमारा आज का बच्चा ही कल का तनावर दरख्त बनेगा, हमारे खानदान का सबसे अहम सतून बन जाएगा। और ना सिर्फ ये कि मर्द को तो हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि लड़का बहुत ज्यादा मजबूत हो, लेकिन खवातीन जो हमारे घर का सबसे अहम किरदार हो, अगर औरत ना हो तो कोई घर ना चले। तो मैं हर एक के लिए कहूंगी कि जो ये मैं इलाज बताने जा रही हूँ इसको आप बनाइए और आपके घर का हर फर्द इसको इस्तेमाल करे। ये एक जादुई लड्डू है और इसके लिए इसकी क्वांटिटी क्या होगी, इसको बड़े अपने हिसाब से ये सर्दी गर्मी खिजा बहार यानी साल के 12 महीनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करना ही होगा कि सख्त गर्मियों के दिनों में यानी जून जुलाई के महीनों में एक दिन छोड़कर एक दिन बड़ों को और बच्चों को इस्तेमाल करना होगा। अब हम पहली बुझवाने के बजाय आपके पास अपनी रेमेडी की तरफ आती हूँ और वो ये है कि इसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, इसमें आपको बराबर की क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा जैसे जौ का आटा आपको आधा किलो लेना है, जौ का आटा आधा किलो लेना है और अलसी के बीज इसमें बराबर के डालने हैं, यानी आधा किलो अलसी के बीज और आधा किलो जौ का आटा और बाकी तमाम चीज़ें हसबे ज़रूरत डलेंगी क्योंकि वो आपके जायके की डेवलपिंग के लिए हैं। तो आपने अगर एक पाव आपने जौ का आटा लिया तो उसमें एक पाव ही आप अलसी के बीज डालेंगी, आधा किलो जौ का आटा लेंगी तो आधा किलो ही अलसी के बीज डालेंगे। और जौ के आटे को भी मैंने हल्का सा इसको भून लिया है और मैंने अलसी के बीजों को भी, आपने देखा होगा कि ये लाइट कलर के होते हैं, इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। एक कप मैंने यहाँ पर जौ का आटा लिया है, एक कप मैंने अलसी के बीज लिए, इसको भी मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है और इसको भी हम हल्का सा जब ब्राउन करते हैं तो ये अजीब से इसके फूटने की आवाज़ आती है, पटपट की आवाज़ आती है और ये फूल जाते हैं। ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद इसमें एक कप आपको गुड़ का लेना है, मैंने चूंकि शीरा बना लिया था तो ये गुड़ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है, ऐसे कूट कर चूरा कर लीजिए, एक कप ही इसमें आप गुड़ का डालेंगी। इसमें हसबे जायका आप डालेंगी बादाम, बादामों को कूट लें, काटे ना, बारीक काटने से बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, इसको कूट लें ताकि इसका जायका मुँह के अंदर महसूस हो। और चारों मगज़ इसके अंदर जितने आप बादाम डालेंगी उतने ही चारों मगज़ भी डालेंगी, यानी अलसी के बीज, जौ का आटा, चारों मगज़ और बादाम और गुड़ जायके के लिए, और एक कप ही असली घी डलेगा। अच्छा जनाब, करना ही होगा कि ये मैंने तो आपके तो पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो गई जी, इसका जी। नाम मैंने रख दिया स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होम रेमेडी जी, इसलिए कि अच्छा अब ये इसको हम एक कप मैंने आपको यहाँ पर बताया,
आप जरूरत के मुताबिक अगर घी ज्यादा हो जाए तो वो तमाम, क्योंकि इस तमाम चीजें आपको घी में असली घी में ब्राउन करनी है, लाइट लाइट से सौते करनी है। तो अगर आप ये समझे, अगर आप एक किलो में एक कप घी भी डाल लेंगे तो वो भी काफी रहेगा। और जो लोग पंजाब साइड के हैं वो ज्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो वो उसके हिसाब से डालें। अब करना ये होगा कि आपने घी को कड़कड़ाया, असली घी को कड़कड़ाया, उसमें थोड़े से में आप ये जो आप बगैर ऑयल के इसको आपने सौते किया, इसको भी बगैर ऑयल के भून लिया। उसके बाद आपने घी को कड़कड़ाया और उसके अंदर आपने गुड़ डालकर एक कप पानी डाल दिया। अब इसको हम हिलाते रहेंगे इतनी देर कि गुड़ और घी का शीरा बन जाए। जब ये एक तार का शीरा बन जाए यानी उसके अंदर मिक्स हो जाए और आप देखें कि वो गाढ़ा, इतना गाढ़ा ना हो कि जम जाए, कि बस वो इतना गाढ़ा हो कि गुड़ उसके अंदर बिल्कुल घुल जाए, तो आप उसको किसी प्लेट पे देखें कि हल्का सा वो यू होने लगा, पूरा ना जमे, हल्का सा हाथ से ऐसा हो गया। बस उसके अंदर आप अपना भुना हुआ आटा, अलसी के बीज, कुटे हुए बादाम, चारों मगज आप डालकर, अगर पिस्ते भी डालना चाहें तो पिस्ते भी डाल दीजिए। ये कुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सी सा इलाज है। बस इसको सारा मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर दें और जब इस काबिल हो जाए कि आप हाथ पर इसको लेकर लड्डू बना सकें, तब आप इसको एहतियात के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों की फैसिलिटी नहीं थी, अदरवाइज मैंने सोचा था कि आज मैं आपको लड्डू बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन लड्डू दरमियाने साइज के हों ऐसे से करके बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे, हम लोगों ने वो आपको जो इसकी ड्राई मशीन जो जी ब्लेंडर, हाँ, ब्लेंडर जी, वगैरह हम जी, अब उसके अंदर क्या होगा कि छोटे बच्चों के लिए छोटे साइज के, इतने बड़े बड़े जैसे छोटे गुलाब जामुन का साइज होता है वो बनाएंगे, और बड़ों के लिए दरमियाने साइज का लड्डू बनाएंगे। रोजाना बच्चों को नाश्ते में सबसे पहले ये लड्डू देंगी और उसके बाद उनको नाश्ता कराएंगी, बड़ों को भी ये ही लड्डू देंगी पहले नाश्ते से पहले और उसके बाद आप उनको नाश्ता देंगी। तो ये लड्डू जब साल के 12 महीनों में इस्तेमाल होगा तो ना सिर्फ, और आप खुद भी खाइए, आपके घर में जो आपके ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं, आपकी अम्मी है, नानी है, दादी है, जो भी कोई घर के बुजुर्ग है, आप घर के हर फर्द को एक छोटे साइज का लड्डू देना शुरू कर दीजिए और मर्दों को दरमियाने साइज का। आप ये देखें कि अल्लाह के फजल से आपके घर से बीमारियां ऐसे भाग जाएंगी कि जैसे कहीं गुजर ही नहीं था। आप क्या बात है कि कम टू द पॉइंट ये कहेंगे हमारे और भी कोई रेमेडी रेडी अनीस साहब की जी लेकिन आप माँ की कैसी, अब देखिए बेटे की कैसी, तमाम लोग ये कहेंगे हैं क्या इस वक्त ये वायरस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है हमें नहीं। आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे से ज्वाइन करने जी नाजी। नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे और फिर साथ साथ हम लोग फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सीनियर जो है वो आपको पता है शाह साहब जो है शाह नजीर साहब हर्बलिस्ट हैं और बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हेल्थ को कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनके बस 50% पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है, इनका नाम उनके अंदर सर फहरिस्त है। तो यहाँ पर मौजूद है शाह नजीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको पफ की जरूरत नहीं है, मैंने सही कहा था ना, ओरिजिनल ब्यूटी है ना आपकी। तो जी जी, माँ ने भी कहा था चांद का टुकड़ा है। देखिए ना, आते ही इन्होंने ये जो है ना, ये हमारा एनवायरनमेंट खूबसूरत कर दिया। अच्छा, आज मौसम भी ऐसी जो आपने मुझसे बताया है, अब इन्होंने कहा कि जो लड्डू होते हैं, अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये लड्डू कितने खाने हैं, ये पॉइंट होता है ना कि बच्चे एक लड्डू खाना है। जी, मैंने बताया एक लड्डू। अच्छा सर, आप मैं चाहती हूँ कि बच्चों की हम लोग ट्रीटमेंट करें तो बच्चों को क्या चीजें, हम लोगों को अपने घर में जो मौजूद है क्या देना चाहिए? देखें, सबसे पहले मेन चीज़ तो यही है कि बच्चों को जो हिफाजती टीके होते हैं पैदाइश के बाद, वो पूरे लगवाइए। दूसरा, जो उसके जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो जब भी आपके दरवाजे पे, आप प्लीज़ इनकार मत कीजिए, उसे ज़रूर पिला दिया करें, ठीक है? ये बच्चों की सेफ्टी है और बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ये। दूसरी चीज़ ये है कि बास बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही होती है, अब वो बच्चे जो हैं छोटे होते हैं, वो ग्रोथिंग एज में होते हैं, ठीक है? आप कम से कम एक कप दूध रोज़ाना दिया करें, और जब देखें कि बच्चों की उम्र 12 से 14 साल तक हो गई है, अब 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, 14 साल से पहले आपको कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कोई तबीयत ख़राब होती है तो आप उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए, लेकिन कद बढ़ाने की जितनी भी चीज़ें जो नशोनुमा की होती हैं, वो आपने 14 साल से लेके 21 साल तक के दरमियान में देनी है। और कोशिश कीजिए लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। और घर में जब कोई भी चीज़ पकाएं, आप कोशिश करें दालें भी पकाएं, सब्जियां भी पकाएं, गोश्त भी पकाएं,
चिकन का भी इस्तेमाल करें, लेकिन हर चीज़ पकाएं और बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत डालें जो कि आपको मिनरल्स मिलती रहें उसमें, और एक कप दूध रोज़ाना दिया करें और थोड़ी देर के लिए उनकी रनिंग किया करें, धूप में बिठाया करें, चला फिरा करें, उनका विटामिन डी भी मिलता रहेगा तो बच्चा दवाइयों से दूर रहेगा। अच्छा ये इन्होंने बताया, लेकिन हम लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना क्योंकि अनीस मुस्तफा इज रेडी। नहीं मैं एक चीज बताऊं। अच्छा बताएं। मैं बच्चों के लिए जो लड़कियां और लड़के जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है उसकी एक रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा, आप देखना मत भूलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो फिर हम आपके ब्रेक के बाद हम आपकी होम रेमेडी दिखाएं। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन हम लोगों ने अभी चलने और जब वापस आने तो आर यू रेडी, क्योंकि अब उन बच्चों की जो ग्रोथ हाइट यानी कि बढ़ नहीं रही और बहुत वीक है तो उनका स्पेशल होम रेमेडी इज रेडी क्योंकि शान अजीर साहब रेडी। यानी कि छोटी सी ब्रेक, आपने जाने और वापस आने क्योंकि लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एक कॉलर हमारे दरमियान मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? तहसीनुल्लाह मेरा नाम है। तहसीनुल्लाह जी सर, क्या 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 पूछना है आपने? मैंने बस शानदार से थोड़ी सी बात कर ली है। बात कीजिए, सुन रहे हैं वो शाह साहब। अच्छा सर है ना कि हमारा एक रिश्तेदार है, उसको ये हो गई क्या नाम है, हो गई है तो अब उसका क्या इलाज कुछ बता सकते हैं आप? अच्छा एक काम करें, इनका सवाल ले लें, इनकी आवाज मेरे प्यारे भाई तहसीन साहब आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टॉर्शन और उसमें खराब हो रही क्योंकि आप बहुत दूर से बात करें पेशावर से, तो इनका जरा सा प्लीज सवाल ले लीजिएगा। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।